नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही मनपसंद YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे आज आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के मैं आपके बीच रोज नए एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। आज पांचवा दिन है और आज आपके बीच में मैं लेकर के आया हूं एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक जिसमें कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है तो आपको उससे क्या कराना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो शख्स कैरियर बनाना चाहता है आप उसके साथ सीरियस कुछ बातें करें। वो बातें क्या हैं? 10 ऐसे पॉइंट मैंने लिखे हैं, 10 ऐसी लिस्ट मैंने लिखी है जिसको आप नए पर्सन के साथ में शेयर करें। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आप स्वयं इस लिस्ट को जरूर बनाएं। वो लिस्ट कौन कौन सी है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले लिस्ट है व्हाई यू आर ज्वाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया? 10 ऐसे कारण लिखें जिसकी वजह से आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा हुआ है। दूसरा टॉपिक है वो है 100 ड्रीम, 100 सपने अपने लिखें। वो सपने आपके जो आपने कभी बचपन में देखे थे, वो सपने आपने जिसको आप पूरा करना चाहते हो, वो आपके आपके परिवार के लिए हो सकते हैं, वो अपने समाज के लिए हो सकते हैं, देश के लिए हो सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के हो सकता है। जो छोटे से लेकर के बड़े सपने हैं उसको एक आप डायरी में लिख लें। इसके बाद तीसरा है वो है 10 मेरिट्स। आप में 10 ऐसी कौन सी अच्छाइयां हैं अगर जो आपको लगता है उसको भी आप डायरी में नोट डाउन कर लें। इसके बाद 10 डीमेरिट्स, 10 ऐसी कमियां लिखें जो आपको लगता है कि आप में ये कमियां हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं, उन कमियों को 10 लिखें। पांचवा पॉइंट है 10 ऐसे पर्सन जिनसे आप लाइफ में इंस्पायर हुए हों। 10 ऐसे लोगों को लिखें जो आपके जीवन में बहुत अहम रोल अदा करते हों, ऐसे 10 लोगों के नाम लिखें। छठा पॉइंट है शॉर्ट टर्म गोल, 10 ऐसे शॉर्ट टर्म गोल लिखें जो आप 3 से 6 महीने में अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है आपका सपना हो एक शॉर्ट टर्म कि आपको एक अच्छा मोबाइल लेना है, हो सकता है आपका सपना हो किसी हिल स्टेशन में घूमने का, हो सकता है आपका ट्रेवल करने का कहीं सपना हो, जो भी आपके छोटे सपने हो वो आप 10 लिखें। और सातवां पॉइंट है वो आपको 10 लॉन्ग टर्म सपने लिखने हैं जो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के हों। वो सपने आपको लिखने हैं, वो टारगेट लिखना है, वो गोल लिखना है जो आप अचीव करना चाहते हैं 1 साल से लेकर के 5 साल तक। आठवां पॉइंट है कि आपके बैंक बैलेंस कितना है। ये पॉइंट इस वजह से मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको पैसे भी लगेंगे, तो आपका बैंक बैलेंस कितना है वो भी आप नोट डाउन करें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ये फ्यूचर में आपको बहुत बड़े रिटर्न के रूप में मिलेगा, तो आप अपना बैंक बैलेंस चेक करें कि इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए आपके पास में पर्याप्त पैसे हैं कुछ भी नहीं। 9वां पॉइंट है हाउ मेनी टाइम इन इन्वेस्ट ए डे। आप एक दिन में कितना समय इस इंडस्ट्री में देना चाहते हैं? अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आप अपने बिजी शेड्यूल में से कितना समय निकाल करके डेली नियम में दे सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, या आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो कितने घंटे आप लगाना चाहते हैं वो आप डायरी में नोट डाउन करें। और 10वां पॉइंट है वो है लर्निंग एटीट्यूड। आज लर्निंग एटीट्यूड मैं इस वजह से लेकर के आया हूँ क्योंकि सीखने का आपका नज़रिया कैसा है, आप क्या सीखने के लिए तैयार हैं। 10 ऐसे कारण जरूर लिखें कि जिसकी वजह से आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और उसके साथ में धैर्य रखें, क्योंकि ये इंडस्ट्री धीरे धीरे करके बड़ी होगी। आपका बिजनेस एक बैग बहुत बड़ा नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, तो धैर्य रखें। इन 10 पॉइंट को आपको जो मैंने बताए हैं इसको डायरी में नोट डाउन कर लें, डायरी में लिख लें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम, जो क्रमबद्ध तरीका मैं आपके बीच रोज लेकर के आ रहा हूँ उसमें ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। इसको आप समझें और लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक लाता रहूँगा जो आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के। साथ ही साथ मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिनको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें,
और शेयर करें जिन नए लोगों को आपने सिस्टम में ज्वाइन कराया है उन तक ये वीडियो पहुंचाने का, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच फिर से आता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।